अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है जरीन खान। मेरे चैनल जेड की यूनिक कुकिंग में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं आज फिर से एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे चाय के साथ मसाला पराठा। ये आप कभी भी बना सकते हो, बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। ये आप चाय के साथ ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में, जब भी आपको चाहिए आप बनाकर खा सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी होता है। इसे और हेल्दी बनाने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे का यूज़ कर रही हूँ। आज हम वही बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल में 1 कप गेहूं का आटा लिया। मैं इस तरह से 1 कप और डाल रही हूँ इसमें। ये 2 कप हमने गेहूं का आटा लिया है। गेहूं के आटे के अंदर हम यहाँ पर नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून के आसपास नमक का यूज़ कर रही हूँ। नमक के बाद हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन यहाँ पर मैंने, ये देख सकते हो आप, 1/2 टीस्पून ली हूँ। अजवाइन मैं हमेशा कहती हूँ जब भी हम यूज़ करेंगे इस तरह से हाथ पे हल्का सा रफ करेंगे और फिर इसमें यूज़ करेंगे। अजवाइन आप इसमें ज़रूर डालिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है और ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और ख़ास तौर पे जब आप ये जो पराठे का डो बना रहे हम लोग, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे का यूज़ की हूँ। आप चाहे तो इसमें मैदे का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैदा भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी। और जब आप इसमें मैदे का यूज़ करोगे तो ख़ास तौर पे आप अजवाइन ज़रूर यूज़ कीजिए। वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है, मदद करती है। इसलिए यहाँ पर अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये वेजिटेबल ऑयल ले रही हूँ मैं यहाँ पर। ये हम सिर्फ 1 टेबल स्पून डालेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। ये पराठे बहुत ही टेस्टी, खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। आप ज़रूर बनाइए और ये बनाकर आप डो कभी भी रख सकते हैं फ्रीज में। आपको जब भी पराठे का खाने का मन करेगा आप सिर्फ इस पे मसाला वगैरह लगाकर और इसे सेक लीजिए। ये देख सकते हो आप इस तरह से हाथ से जो ऑयल की गुटलियाँ है वो हम निकाल देंगे इस तरह से। ऑयल को अच्छे से हम जो आटा है गेहूँ का हमने जो लिए है उसमें अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। ये देख सकते हो आप अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखिए इस तरह से जब हम मुट्ठी बनाते हैं तो ये इस तरीके से डायरेक्ट बिखर नहीं रही है इस तरीके से। ये देख सकते हो आप हल्की हल्की मुट्ठी बन रही है। हमें इसमें और ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, इतना काफ़ी है। अब हम इसमें पानी डालकर रोटी का, जिस तरीके से हम एक आटा लगाते हैं, जिस तरह से रोटी के लिए हम आटा गूंथते हैं, उसी तरह से हमें ये भी बनाना है। हमें इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है वरना जो लच्छे हमारे हैं बनेंगे वो ज़्यादा अच्छे से खुल नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा हार्ड डो लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इसमें थोड़ी सी 1 चम्मच के आसपास सूजी का भी यूज़ कर सकते हो, उससे और भी ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी बनेंगे। मैं यहाँ पर फ़िलहाल नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पर अपना नॉर्मल जो पानी होता है वही लेकर इसे एक आटे के जैसा डो बना लेती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर डो लगा रही हूँ। डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पर सादा ही पानी ली हूँ। एक साथ आप ज़्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए। जो रेगुलर कुकिंग करते हैं उन्हें तो इजीली ये डो लगाना आसान गिरेगा, इजी गिरेगा, लेकिन जो अभी अभी कुकिंग सीख रहे हैं उनके लिए मैं आपको बोल रही हूँ क्या, आप एक साथ पानी बिल्कुल भी मत डालिए आटे में वरना आटा बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। आप थोड़ा थोड़ा करके पानी, कभी भी आटा जब हम गूंथते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालिए उसमें। उससे हमारा जो डो है हमें बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी होता है इस तरीके से। बस अब हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करेंगे। आटा हमारा अच्छे से जम चुका है, देख सकते हो आप। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से जम चुका है, मिक्स हो चुका है। अब हम इसकी मालिश करेंगे, इससे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देख सकते हो आप इसे इस तरीके से। मैं सभी आटे को एक साथ कर लेती हूँ जमा। ये देखिए आप इस तरीके से मैंने सभी आटे को एक साथ कर लियूँ। अब मैं ये जो बॉल है इसे हटा देती हूँ और इस तरीके से जो किचन काउंटर है हमारा वहाँ पे अब हम इसकी मसाज करेंगे। ये देख सकते हो इस तरीके से।
हथेली की मदद से आप इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज कीजिए, देख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा तो आप इसमें और थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लूँ, ये देखिए मैंने आटे की अच्छे से मसाज की हूँ, ये देख सकते हो आप। पहले आटा किस तरीके से, ये देख सकते हो आप किस तरीके से था और अब किस तरीके से, और हार्ड देख सकते हो आप कितना है। हमें इतना ही हार्ड डो लगाना है, ये देखिए। और अभी आटा कितने अच्छे से कंबाइंड हो चुका है, जुड़ चुका है और बिल्कुल चिकना चिकना हो चुका है, देख सकते हो आप। अब हम इस पर 1 टेबल स्पून ऑयल फिर से डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाली हूँ। अब हम ऑयल को अच्छे से फिर से आटे में मिक्स करेंगे। इससे जो हमारे पराठे होंगे वो और भी खस्ता बनेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं फिर से, अभी आपको ऑयल ऊपर ऊपर दिख रहा होगा ये देख सकते हो, लेकिन जब हम इसकी अच्छे से मसाज करेंगे तब ऑयल पूरा आटे के अंदर सोक हो जाएगा, आटे के अंदर पूरा ऑयल चला जाएगा। ये देखिए, इसमें हमें सिर्फ 2 से 2 मिनट के आसपास का टाइम लगेगा। हमें आटे को अच्छे से मसाज करनी है, अच्छे से गूंदना है, जिसकी वजह से जो ऑयल है वो आटे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए, आप इस तरीके से आटा गूंद कर कभी भी रेडी करके रख सकते हो, और जब भी आपको पराठे वगैरह खाने का है या फिर आप जल्दी में लेकिन आपको बहुत भूख लगी है तो ये बहुत ही हेल्दी टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये देखिए, अभी आपको ऑयल नहीं दिख रहा होगा, आटे में ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे एक बॉल में ढक कर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम जो ये मसाला पराठा बना रहे हैं इसके मसाले देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्लेट ली हूँ, इसमें हम जो हमारे मसाला पराठा के मसाले हैं वो मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर ले रही हूँ, ये देख सकते हो आप, इस तरीके से भर के ली हूँ। ये धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्ची ले रही हूँ मैं, ये देख सकते हो आप, 1 चम्मच से कम, ये तीखी वाली लाल मिर्ची। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो ये मिर्ची नहीं भी डालें तो भी चलेगा। यहाँ पर मैं ये कश्मीरी लाल मिर्ची ले रही हूँ, ये 1/2 टीस्पून ले रही हूँ मैं। यहाँ पर मैं होममेड जो गरम मसाला है हम लोग का वो यूज़ कर रही हूँ। आप ये देखिए 1/2 टीस्पून। यहाँ पर हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर भी मैं 1/2 टीस्पून ले रही हूँ। ये देखिए आप, और नमक मैं यहाँ पर ये देख सकते हो 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम ले रही हूँ। हींग अगर आपको डालनी हो तो आप डाल सकते हो, वरना नहीं भी डाले तो चलेगा। वैसे भी हमने अजवाइन आटे में अजवाइन डाले हुए, यहाँ पर मैं देख सकते हो आप 2 पिंच के आसपास हींग ले रही हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन के लिए हींग बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पर इन सभी मसालों के अलावा हम एक और मसाला लेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये मैगी मसाला, ये जो पाउच आता है ये पूरा पाउच हम ले लेंगे। ये देखिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। और इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग, और इसे आप एक जिप लॉक बैग वगैरह में या फिर एक जो पैक ढक्कन वाला डिब्बा होता है आप उसमें भी इसे रख सकते हो। इसे आप 1 से 2 महीने, 2 से 3 महीने के लिए भी रख सकते हो। जब भी आपको मसाला पराठा खाने का दिल करता है आप इसे लीजिए और आटे को मिलाकर बना लीजिए, ये झटपट रेडी हो जाएगा। यहाँ पर अब मैं आपको मिला लेती हूँ, बता। ये देखिए, मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, आप देख सकते हो कितने सारा हो जाता है। इस तरीके से हम मिक्स करके बनाते दो और ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर चाट मसाला नहीं यूज़ की हूँ। अब हम पराठा बनाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आटा हमारा रेस्ट कर चुका है, मसाला ने रेडी कर लिए है। अब हम इसके पराठे बनाते हैं। पराठे बनाने के लिए इस तरीके से हम इसके पेड़े निकाल लेंगे। आपको जितना बड़ा पराठा चाहिए आप उतने पेड़े बना सकते हो। यहाँ पर मैं इसके 3 पेड़े मैंने बनाई हूँ और थोड़ा सा आटा बच गया है इस तरीके से। अब हम एक लोई ले लेंगे और इस तरीके से इसे अच्छे से मसाज कर लेंगे, राउंड कर लेंगे। ये देखिए, एक लोई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने रोटी से थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लिए है। अब हम इस पे हल्का हल्का मैदा या फिर गेहूं का आटा डस्ट करेंगे नीचे और फिर इसे बेलते जाएंगे। इस तरीके से मैं गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ।
इस तरीके से। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से हमें अच्छा पतला, जितना आप पतला बेल सकते हो बेल लीजिए। ये देख सकते हो आप मैं कितना इजीली से बेल रही हूँ, ना ही ये ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज्यादा हार्ड है, ये डो बिल्कुल सही बना है। इसी तरह से आप भी बनाइए, ये देखिए जितना भी पतला आप बेलना चाहते हैं बेल सकते हैं, क्यों तो हमें इसका इसे कट करके फिर से इसका एक पेड़ा बनाना है हमें। ये राउंड में बेले चाहे या ना बेले चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसे आड़ा टेढ़ा भी बेल सकते हो। ये देखिए मैंने इतना पतला इसे बेल लियो, देख सकते हो आप। अगर आपको किनारी थोड़ी सी मोटी लगती है तो आप उसे फिर से पतला कर लीजिए। ये देखिए मैंने, अब हम इस पर ऑयल लगाएंगे। ऑयल यहाँ पर मैं इस तरीके से एक चम्मच डाली हूँ मैंने, और अगर ब्रश है तो आप ब्रश की मदद से या फिर हाथ की मदद से इस तरह से सभी तरफ ऑयल फैला लीजिए। ये देख सकते हो आप, ऑयल हमें थोड़ा ज्यादा ही रखना है। अगर ऑयल हम कम डालेंगे तो जो हमारी लेयर है वो अच्छे से नहीं खुल पाएंगी। देख सकते हो आप सभी तरफ मैंने ऑयल अच्छे से लगा चुकी हूँ। अब हम इसे कट करेंगे, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हमें इसे कट लगाना है। ये अगर इस तरीके से हो जाती है तो आप इसे इस तरीके से फैला लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें इसे मिलाना ही वापस से, ये देख सकते हो आप, या फिर छुरी वगैरह नाइफ वगैरह की मदद से कर सकते हो। मैं यहाँ पर पिज्ज़ा कटर जो होता है उसकी मदद से कर रही हूँ। ये देखिए जितना भी पतला आप बेल सकते हो बेल लीजिए, कट कर लीजिए। देखिए थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कटर पे लग जा रहा है, मैं इसे इस तरीके से पकड़ते हुए कट कर रही हूँ। ये आड़ी टेढ़ी भी कट होती है तो भी चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें इसे कट करना है बारीक बारीक इस तरीके से। देख सकते हो आप मैं कोई मेजरमेंट से नहीं कट कर रही हूँ, सिर्फ मैं इसे पतला पतला कट कर रही हूँ। पूरी जितनी भी रोटी हमने बनाए है उस पूरी रोटी को हमें इसी तरह से कट करना है। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको नाइफ की मदद से भी कट करके बता रही हूँ, ये देख सकते हो आप इस तरह से। ये देखिए जितना पतला हम कट कर सकते हैं हम उसे करेंगे। हमें इसे ऐसा नहीं है कि ये सही मेजरिंग से नहीं कट हो रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आड़ी टेढ़ी छोटी बड़ी जिस भी तरीके से कट हो रही है आप इसे कट कीजिए। मैं आपको पूरी रोटी कट करके बता रही हूँ, मैंने हाफ आपको कटर से कट करके बताई हूँ और हाफ आपको नाइफ की मदद से। ये देख सकते हो आप किस तरीके से हमारी रोटी अच्छे से कट हो चुकी, ये देख सकते हो आप। ये जो थोड़ी सी मोटी है मैं इसे और एक लेयर कट करती हूँ, देखिए। अब इस तरीके से जब हमारी रोटी अच्छे से कट हो जाएंगी तब हम इसे एक नाइफ की मदद से हल्का हल्का इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये बहुत जल्दी फोल्ड हो जाती है, इस तरीके से हम नाइफ की मदद से इसे हल्का हल्का एक पर एक फोल्ड करते जाएंगे। दिख रहा होगा इंशाल्लाह आपको, मैं बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। ये देखिए एक साइड से फोल्ड करते हुए हम इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, ये देख सकते हो आप। बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही इजीली फोल्ड हो जाती है। अगर आपको ये पेड़े बनाने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप इस तरीके से लोइया पेड़े बनाकर पहले भी रख सकते हो, इस तरीके से आप हाथ से भी कर सकते हो। हल्का हल्का हम हाथ से इस तरीके से, ये देख सकते हो आप, हल्का हल्का हम हाथ से इसे उठाते जाएंगे। ये देखिए अब हम इसे फिर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एक चम्मच के आसपास फिर से मैंने इस पर ऑयल डाली हूँ, और इसे हम हल्का सा थोड़ा सा रोल कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे, तो इस तरीके से एक कॉर्नर को हम हाथ में लेंगे और इसे रोल करते जाएंगे। ये देखिए और ये जो बच जाता है लास्ट वाला, ये जो सब है हम इसे इस तरीके से सेंटर में फोल्ड करेंगे। देखिए पेड़ा हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब आप चाहे तो यहाँ पर बेलन से भी कर सकते हो या फिर हाथ की मदद से इस तरह से आप इसे फैला सकते हो, देख सकते हो
मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगी। ये देखिए, ये बहुत ही इजीली फैल जाता है। सेंटर से भी हमें हल्का हल्का प्रेस करते जाना है। इससे हमारी जो लेयर है बहुत अच्छे से खिलकर आती है। बेलन से जब हम बेलते हैं तो हल्का सा प्रेस करके हमें बेलना पड़ता है, जिसकी वजह से ये लेयर जो है वो आपस में थोड़ी थोड़ी चिपक जाती है। ये देखिए, हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा इसे ठीक ही रखना है। ये देख सकते हो आप, ये देखिए दिख रहा है आपको कितना ठीक रखी हूँ मैंने। इतना ही ठीक हमें रखना है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ठीक रख सकते हो, मैंने यहाँ पर इसे इतना ठीक रखी हूँ। अभी यहाँ पर हमने मसाला पराठा बनाने का था, पैन हमने गर्म के लिए रखे। अभी यहाँ पर मैं जो मसाला हमने बनाए थे, ये देख सकते हो, ये मसाले का 1 चम्मच या फिर आपको जितना चाहिए आप उतना लीजिए। मैं यहाँ पर इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस कर देती हूँ और इसे हाथ की मदद से हम फैला लेंगे। देखिए, ये एक साइड पर मैंने मसाला अप्लाई की हूँ। अगर आप चाहे तो इसे दूसरी साइड से भी मसाला लगा सकते हो। इसी तरह से हम थोड़ा सा मसाला इस साइड पर भी डालेंगे और इसे भी इस तरीके से रफ कर लेंगे। मैं आपको एक और तरीके से पराठे को मसाला लगाना बताऊंगी। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपका मसाला चिपक नहीं रहा है तो आप इस पर हल्का सा फिर से ऑयल लगा दीजिए और फिर मसाला इस पर अप्लाई कीजिए। यहाँ पर पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसे सेक लेते हैं। पैन हमारा हीट हो चुका है, गर्म हो चुका है। अब मैं ये जो पराठा है इस तरीके से इसमें डालूंगी। ये देख सकते हो आप, इस तरीके से जो खुल जाता है आप इसे इस तरीके से हाथ से प्रेस कीजिए, ये बंद हो जाता है। अब हम इसे एक साइड से सीख जाने के बाद फिर टर्न करेंगे, दूसरी साइड से सेकेंगे। ये देखिए, अब मैं इसे टर्न करती हूँ। 1 मिनट हो चुका है एक साइड से, अब हम इसे टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी हल्का सा। ऑयल अभी तक मैंने बिल्कुल भी इसमें नहीं डाली हूँ, ऑयल हम इसे में थोड़ी देर के बाद यूज़ करेंगे। अगर हम पहले ही ऑयल डाल देते हैं तो फिर जो पराठा है हमारा वो सेकने में भी टाइम लेता है और बहुत ही ऑयली ऑयली हो जाता है। इसलिए हम पहले इसे हल्का हल्का सेक लेंगे दोनों साइड से, फिर हम इसमें ऑयल डालकर सेकेंगे। ये देख सकते हो आप, हल्का हल्का मैं इसे प्रेस करते जाऊँगी और इसे दोनों साइड से सेक लेंगे हम लोग। इस तरह से हल्का हल्का सेक लेंगे हम। अब मैं इसे टर्न करती हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, हल्का हल्का सिक चुका है। मैं यहाँ पर, अगर आप चाहे तो अभी ऑयल डाल सकते हैं या फिर इसे और थोड़ा सा सिक जाने के बाद भी ऑयल डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल दे रही हूँ अभी। देखिए, 1/2 चम्मच के आसपास मैंने ऑयल डाली हूँ और अब हम इसे टर्न करते हैं। देखिए, यहाँ से भी आप देख सकते हो हल्का हल्का सिक चुका है। मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। देखिए, अब हम इसे मीडियम आंच पर हमें इसे सेकना है, फास्ट आंच पर बिल्कुल नहीं सेकना है, वरना ये अंदर से कच्चा कच्चा लगेगा और जो लेयर है वो अच्छे से खिल नहीं पाएंगी, इसकी खुल नहीं पाएंगी। ये देखिए, हमारा पराठा अच्छे से सिक चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफर करती हूँ। ये बहुत ही लाइट वेट होता है, इसे हमें बहुत ही ईजिली हैंडल करना पड़ता है। देख सकते हो आप, यहाँ से टूट रहा है ये पराठा। ये देखिए, अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ। ये देखिए, अब मैं दूसरे तरीके से आपको पराठा बनाना बताऊंगी। यहाँ पर ये देख सकते हो आप, मैंने एक लोई ली हूँ। इस पर हम इसी तरह से मैदा या फिर आटा डस करेंगे और उसी तरह से हम इसे भी पतला पतला बेल लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने कितना पतला इसे बेल ली हूँ। जिस तरीके से हमने पहले रोटी बेले थे उसी तरह से मैंने इसे भी बेल कर रेडी कर ली हूँ। अब यहाँ पर हम ऑयल डालेंगे, इसे भी हम अच्छे से फैला लेंगे पूरी रोटी के ऊपर, किनारी से सब जगह से हमें इसे अच्छे से लगाना है। ये देखिए, मैंने अच्छे से ऑयल लगा चुकी हूँ। अब जो मसाला है वो हम पहले इस पे डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से 1 चम्मच लियो मैंने और इस तरीके से हम इसे फैला लेंगे। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप और भी डाल सकते हो, पर 1 चम्मच इस पे काफ़ी हो जाता है। इस तरीके से फैलाने के बाद अब हम इसे जिस तरीके से हम पंखा फोल्ड करते हैं, पेपर का जो हम क्राफ्ट पेपर में पंखे वगैरह बनाते हैं कागज़ के, उस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। देख सकते हो आप इस तरीके से। देख सकते हो आप, मैं आपको दिखा पा रही हूँगी।
ये देखिए इस तरह से मैंने सभी को फोल्ड किया। अब मैं इसे हल्का सा इधर से टर्न करूंगी और इसकी जो ये वाली साइड है इस पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी। इस तरीके से हम इस पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इससे भी इस तरीके से जो एक कॉर्नर होता है इससे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये जो लास्ट वाला कॉर्नर इसे हमें इस तरह से सेंटर में प्रेस करना होता है ये, और इस तरीके से अब हम इसे हाथ से प्रेस कर देंगे। अब चाहे तो बेलन से भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर हाथ से कर रही हूँ, ये देख सकते हो आप। इस तरह से ये बहुत जल्दी हो हाथ से सीख जाता है, फैल जाता है, देख सकते हो आप। हमें इसे भी थोड़ा सा ठीक ही रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से हाथ से फैला ली हूँ, अब हम पैन में इसे भी सेक कर रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारा पराठा दोनों टाइप से बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने चाय के साथ इसे सर्व किया क्योंकि हम इसे अक्सर चाय के साथ ही खाते हैं, आप देख सकते हो। आप इसे अचार, दही किसी के भी साथ खा सकते हो। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा करके चाय के साथ ही हमारे यहाँ पर खाया जाता है। ये देख सकते हो आप पराठा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी लेयर ओपन हो रही है, ये देख सकते हो आप। ये बहुत गर्म है इसलिए मैं भी इसे हाथ में नहीं ले रही हूँ, ये देखिए एक एक लेयर इसकी कितनी अच्छे से अलग हो रही है। और ये जो बनाए थे हमने ये भी देख सकते हो आप, ये देखिए इसकी भी सभी लेयर्स आप देख सकते हो कितने अच्छे से अलग हो रही है, ये देखिए देख सकते हो आप। ये जो कट करके बनाए थे हमने ये वो वाला है, और जिसे हमने फोल्ड किए थे वो ये वाला है। दोनों भी पराठे बहुत ही अच्छे से खुल रहे हैं, बहुत ही अच्छे से लेयर बनी है। ये रेसिपी पराठे की आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली को खिलाइए। अगर आपको ये रेसिपी और आपकी फैमिली को और आपको अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलती हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।